आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सपा सुबसपा गठबंधन में पड़ी दरार की। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप यूरोप का ये जो दौर है चला जा रहा है। इसी बीच सपा के पूर्व इमानुएल सिंह उदयवीर सिंह का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला सामने आया है। उदयवीर सिंह ने कहा है कि बाप बेटे एक नंबर के झूठे हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता जानती है कि किसकी क्या छवि है। तो आपको बताएं कि 2022 चुनाव के बड़े से मंच पे सब साथ नजर आए थे, लेकिन जब चुनाव बीतने के बाद, गठबंधन टूटने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच उदयवीर सिंह ने क्या कहा है ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। बात करेंगे इस पर पूर्व एमएलसी और जिन्हें बार बार ओम का राजभर नवरत्न कहते हैं। उदयवीर जी, नवरत्न तो आप ही को कह के निशाना साधते हैं। नहीं, वो ये तो वही बताएंगे किसको कहते हैं क्या। देखिए, बाप बेटे सब एक नंबर के झूठे हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें अपने एक विधायक का भी नाम लिया है। आप उनके विधायक और जिन लोगों का नाम लिया उन्हीं से तस्दीक करिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ जब उनके साथ गठबंधन किया, पैसे लेकर टिकट दिए गए, और ये बात तो दबी जुबान में आपकी पार्टी में भी लोगों ने कहा। अखिलेश जी ने कहा कि ऐसे पहली बार आरोप लगे सहयोगियों के वजह से, तो सुभाषपा वालों ने सीधा अपने ऊपर क्यों ओढ़ लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों ओढ़ लिया। अरुण राजभर ने ये कहा कि 12 लोग तो आप ही ने दे दिए, उसमें महेंद्र चौहान का नाम लिया, अशोक चौहान का नाम लिया, और ये कहा कि जो नवरत्न है उन्होंने इनसे पैसा लिया, जब दू लिया तब हमारे पास भेजा, हम क्या पैसा लेंगे। हमारा कहना ये है कि अरुण राजभर गठबंधन में, डिस्कशन में, चर्चा में कहीं कुछ नहीं रही, केवल वो टीवी पे दिखते हैं, बाकी मीटिंग वगैरह में कभी आए न गए, न उन्हें कुछ पता। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो गया था तो पूरे चुनाव भर अखिलेश जी का गुणगान क्यों करते रहे। तो ये आपने सुना क्या कहना है समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि दोनों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, अरुण राजभर हो, वो कहीं ना कहीं इसी तरह से गलत बयानी करते हैं, और जिस तरीके से ये सारा आरोप वो लगा रहे हैं, उनमें जिन लोगों का भी नाम ले रहे हैं, अगर उनसे बात की जाएगी तो सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं संदेश यही दे रहे हैं कि जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई वो उनकी तरफ से हुई। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। वहीं आपको दिखाते हैं चित्रकूट की एक तस्वीर। भारी बारिश के बाद परेशानियां किस कदर बढ़ गई हैं आप समझ पाएंगे। बरदाहा नदी का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ गया और इसी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आइए देखिए किस तरीके से पुल को ढूंढना पड़ेगा आपको। जाहिर तौर पर यहाँ पुल नजर नहीं आएगा क्योंकि बरदाहा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा और तेज बहाव के कारण नदी को दोनों ओर से लोग देख रहे हैं और पुल को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसी पुल के जरिए वो रास्ते के आर पार जाया करते थे, लेकिन अब इस पर पानी चल रहा है। खतरनाक तस्वीरें चित्रकूट से आई हैं। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तेज बहाव के साथ पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।